ओम समानो मंत्र समेति समानी समानम मनः सचित्तमेषां समानम मंत्रेयवः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 110वां अवतरण लेते हैं। एक बार मैं अपनी साधना द्वारा अखंड और अनंत शक्ति का निर्माण कर लूं, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, झोंपड़ी झोंपड़ी में शक्ति का अखंड दीप प्रज्वलित होने लग जाए, तब संसार का राज्य वैभव और आनंद मेरी ओर उसी भांति स्वभाववश आकर्षित होंगे जिस भांति अनंत और अखंड समुद्र की ओर समस्त जल धाराएं। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य मुक्तियां मेरे लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में आ उपस्थित होंगी, तो धैर्य पूर्वक साधना में लगा रहूं, बस यही एक उपाय है। जब साधक अपनी साधना की शक्ति के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि मैं अपनी साधना द्वारा अखंड और अनंत शक्ति का निर्माण करना चाहता हूं और कर लूं एक बार, तब क्या होगा? उस शक्ति का निर्माण कर लूं, यानी यदि वह साधना निरंतर रूप से चलती रही, यदि इस साधना में नियमित रूप से लगा रहा, तो ऐसी शक्ति का निर्माण होगा जो अखंड होगी, जिसका किसी प्रकार का कोई अंत भी नहीं होगा, और उसके बाद में हर जगह, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, झोंपड़ी झोंपड़ी में शक्ति का अखंड दीप प्रज्वलित होने लग जाएगा कि समाज के प्रत्येक अंग तक यह शक्ति पहुंच जाएगी, चाहे वो झोंपड़ी में वास करता हो, चाहे वो नगर में वास करता हो, चाहे वो कहीं भी वास करता हो, समाज के प्रत्येक अंग तक यह शक्ति अगर मेरी एक बार निर्मित हो गई है तो वो शक्ति पहुंच जाए, और यह शक्ति अखंड हो, अनंत हो, यह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं हो, यह लगातार चलती रहे। और यदि ऐसा हो जाता है तो तब संसार का राज्य वैभव और आनंद मेरी ओर उसी भांति स्वभाववश आकर्षित होंगे जिस भांति अनंत और अखंड समुद्र की ओर समस्त जल धाराएं। कि यदि ऐसा हो जाता है तो संसार का सारा जो राज्य वैभव है, सभी प्रकार की खुशियां हैं, सभी प्रकार के आनंद हैं, वो स्वभावतः आकर्षित होंगे। जिस प्रकार से एक चुंबक की ओर एक लोहा, साधारण लोहा, स्वभावतः आकर्षित होता है, जिस प्रकार से समुद्र की ओर सारी नदियां, नाले और छोटी मोटी जो भी धाराएं होती हैं वो सारी की सारी समुद्र में मिल जाती है, स्वभावतः आकर्षित होता है। जितनी भी समुद्र ऊंचाई से निकलती हो, नीचाई से निकलती हो, जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी समुद्र की ओर जाती है। इसी प्रकार से साधक ये कहना चाहता है कि ऐसी अखंड शक्ति में वह ताकत है जिससे यह सब कुछ पाया जा सकता है, चाहे वो सत्ता का सुख हो, चाहे वो वैभव सुख हो, और चाहे वो वास्तविक आनंद हो। इन सुखों के लिए अन्य किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है यदि मैं इस शक्ति का निर्माण कर लेता हूं, बल्कि ये सारी की जारी सारी जो शक्तियां हैं वो स्वभावतः मेरे पास चली आएंगी। जिस प्रकार से भी उदाहरण दिया कि नदियां हैं वो समुद्र की ओर जाती है, नाले हैं वो नदियों की ओर जाती है, सब समुद्र की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसा एक अथाह शक्ति का समुद्र बन जाएगा जिसमें सारी की सारी जो समस्त वैभव है, सारा राज्य वैभव है,
जो भी कुछ भौतिक संसाधन दिखता है वो सारा का सारा मेरी इस शक्ति की ओर अपने आप ही स्वभावतः आकर्षित होगा। जिस प्रकार से सारा संसार उस परम तत्व की ओर बढ़ रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसी प्रकार ये सारी की सारी शक्ति है वो मेरी शक्ति की ओर आकर्षित होने लग जाएगी। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, मुक्तियां मेरे लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में उपस्थित होंगी। और अभी हमने बात की है उसके अतिरिक्त जो मेरी साधना है वो मुक्ति का भी साधन है। मनुष्य शरीर का जो परम लक्ष्य है वह उस ईश्वर की सत्ता में विलय हो जाना है, वो भी मेरी इस साधना की शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए मेरे लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में उपस्थित होगी। इसके लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में इस मुक्ति के चार प्रकार उपस्थित हैं। पहला इसमें आया है सायुज्य, सायुज्य के रूप में अर्थात एकत्व। इसमें व्यक्ति भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है, वह उससे अभिन्न हो जाता है, भिन्न नहीं रहता है। दूसरी प्रकार की मुक्ति है सालोक्य। इसमें जीव भगवान के साथ उसके लोक में निवास करता है, एक प्रकार की मुक्ति यह है। दूसरी प्रकार की इसमें जो भक्त भक्त होता है उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। और तीसरी प्रकार की जो मुक्ति है वो बताई गई है सामीप्य। सामीप्य का मतलब है कि जो जीव है वो भगवान के सानिध्य में रहते हुए अपनी सारी कामनाएं भोगता है। वह माता पिता के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र और स्त्री के रूप में होकर वो रहता है। और चौथी जो मुक्ति का रूप बताया गया है वो है सारूप्य। इसमें जो जीव है वो भगवान के रूप जैसा ही अनुभव करता है, यानी भगवान के जैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार की वैकल्पिक विषयों के रूप में मुक्तियों का रूप बताया गया है। तो धैर्य पूर्वक साधना में लगा रहूं, बस यही एक उपाय है। तो साधक कह रहा है कि ये सब अपने आप ही आ जाएंगे, बस शर्त एक ही है, उपाय एक ही है कि धैर्य पूर्वक इस साधना में लगा रहूं। मेरी जो साधना है उसमें ऐसी शक्ति है जिसमें सांसारिक वैभव को भी प्राप्त किया जा सकता है और उसके पार उस ईश्वरीय अंश में भी लीन हुआ जा सकता है। उस परम तत्व की प्राप्ति करने का भी यही तरीका है। और इसके लिए तरीका यही है कि उसमें अनवरत इस प्रकार की साधना को किया जाए। तो इस अवतरण में साधक ने यही कहा है कि मेरी जो साधना है उसको मैं अखंड रूप से, अनंत रूप से उस शक्ति का निर्माण करके उसको हर जगह समाज के हर कोने में पहुंचा दूं। मेरी साधना की शक्ति यदि मेरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, वो घर घर, नगर नगर, ढाणी ढाणी तक पहुंच जाएगी, तो फिर संसार का कोई भी वैभव है वो अछूता नहीं रहेगा। और इसके साथ में ही जो व्यक्ति मनुष्य का जो परम लक्ष्य है, मनुष्य जिसलिए इस संसार में आया है, उससे भी उस मुक्ति पाने के लिए जो उसके चारों मुक्ति के प्रकार है उनमें से किसी भी प्रकार से वो वहां उस ईश्वर तक भी पहुंच सकता है। इस अवतरण में साधक यही कहना चाहते हैं। 111वां अवतरण। अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मेरी भावनाओं की नदियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए संसार के ज्ञान का सागर बेचैन हो रहा है। मेरे साधनों का दैन्य से भीख मांगने के लिए सहनशाहों की राज्य लक्ष्मी भटक रही है। मेरी निश्चयात्मक धारणाओं की अटूट श्रद्धा के समक्ष संसार के सभी तर्क मूक होकर आत्मसमर्पित हो रहे हैं।
मेरी आत्मा के बल की थाह पाने के लिए सृष्टि के दिग्गजों की प्रतिष्ठा लड़खड़ा रही है। अपना हृदय खाकर जलने वाले मेरे इस साधना के दीप पर परवाने साथियों की बाहें मुझे मृत्यु रूप में ढूंढ निकालती है और मेरे शत्रु कठिनाइयों का पहाड़ ढहा लाते हैं तो मैं इंद्र का वज्र बन उनके मद को चूर कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने साधना से जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, द्रव्य का एक भी पैसा और हृदय का एक भी पवित्र भाव छिपा कर नहीं रखता। तभी मैं बनता हूं एक दृढ़ प्रतिज्ञित वीर व्रती और यही है मेरी साधना के स्वरूप की चरम सीमा। मेरी साधना पुस्तक का यह अंतिम अवतरण है। इतनी लंबी साधना की यात्रा करने पर अब साधक को एक स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि संसार का ज्ञान भी प्यासा है मेरी भावनाओं की नदियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए, मेरी भावनाओं का जल प्राप्त करने के लिए संसार का जो ज्ञान है वो भी प्यासा है। हमने पहले के अवतरणों में साधक की भावनाओं के इस वर्णन को सुना है। जो साधक साधना करना चाह रहा है, जिस शक्ति का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, वो बिना भावनाओं के नहीं हो सकती है। इसलिए साधक के हृदय में वो भावनाएं कूट कूट कर भरी पड़ी है। साधक का जो हृदय है उस पीड़ा से जल रहा है और उसी पीड़ा के वशीभूत होकर वो इस प्रकार की शक्ति का निर्माण करने की प्रयास कर रहा है, क्योंकि बिना भावनाओं के कार्य किसी भी तरह का कार्य नहीं हो सकता। यहां जो साधक है वो भावनाओं की नदियां बता रहा है। छोटा मोटा कोई जल नहीं है, कोई पात्र नहीं है, ऐसी भावनाएं जो नदियां हैं, नदियों की जैसी भावनाएं हैं, ऐसी जो भावनाओं की नदियां हैं उसके प्रेम के लिए कौन बेचैन नहीं होगा। और बिना भाव के तो ज्ञान किसी काम का भी नहीं है, इसलिए वो प्यासा है, इसलिए उस भाव को चाहता है वो ज्ञान, इसलिए उस भाव को प्राप्त करना चाहता है। मेरे साधनों के दैन्य से भीख मांगने के लिए सहनसाओं की राज्य लक्ष्मी भटक रही है। आगे साधक कह रहा है कि मेरे पास भौतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरी साधना में जिन साधनों का मैंने पवित्र उपयोग किया है उसके लिए सहनसाओं की जो राज्य लक्ष्मी है वो भी भटक रही है। वैसे जो मेरे पास साधन है उन साधनों की कमी उनके पास भी है, और उनके पास जो साधन है उन साधनों से वो काम नहीं हो सकता जो मेरी साधना की शक्ति कर सकती है। मेरी साधना की शक्ति, हमने भी पिछले अवतरण में बात की थी कि सारे के सारे जो राज्य वैभव है वो प्राप्त कर सकता है और उसके बाद मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की जो राज्य लक्ष्मी, सहनसाओं की जो राज्य लक्ष्मी है वो भी वो प्राप्त नहीं कर सकती जो मेरे साधन जो कर सकते हैं। उनके पास तो वे साधन है जो समाप्त होते हैं, मेरे उन साधनों से उस साध्य की जब प्राप्ति होती है उसको प्राप्त करने के भी वो भी इच्छुक हैं। मेरी निश्चयात्मक धारणाओं की अटूट श्रद्धा के समक्ष संसार के सभी तर्क मूक होकर आत्मसमर्पित हो रहे हैं। साधक की निश्चयात्मक धारणा, यानी जिस धारणा के प्रति उसने निश्चय कर लिया है, यानी उसके ध्येय के प्रति जो अटूट निष्ठा है, ध्येय के प्रति जो अनन्य भाव है, उसके सामने संसार के सभी तर्क निरुत्तर हो जाते हैं, सभी तर्क शांत हो जाते हैं, अर्थात उनका समाधान मिल जाता है और
अब वो मेरी साधना के साथ आने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे निश्चयात्मक धारणा जिसको कोई तोड़ नहीं सके, ऐसी अटूट श्रद्धा जो कभी डिगायमान नहीं हो सके, ऐसी मेरी इस साधना की शक्ति से वो निश्चयात्मक धारणा बनती है। मेरी आत्मा के बल की थाह पाने के लिए सृष्टि के दिग्गजों की प्रतिष्ठा लड़खड़ा रही है। मेरी आत्मा के बल की थाह लेने, साधक ने जो साधना की है उससे उसका आत्मबल इतना बढ़ गया है कि वह आत्मबल कितना है इसकी थाह पाने के लिए, उसके मापने के लिए बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी छोटे पड़ रहे हैं, वो माप नहीं पा रहे हैं, वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इसका कितना आत्मबल है। दिग्गज, दिग्गज होता है जो संसार की या पृथ्वी की जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं और चारों जो कोण हैं उनको बांध कर रखने वाले हाथी, दिग्गज दिशाओं के हाथी, ये इतने ताकतवर होते हैं कि इस पृथ्वी को कहीं डिगायमान नहीं होने देते, हिलने नहीं देते, जिनमें इतना बल होता है कि इस पूरी पृथ्वी को वे धड़कने नहीं देते, हिलने नहीं देते हैं। तो साधक का जो आत्मबल है उसकी इन हाथियों से तुलना की गई है, जो इतने ताकतवर हैं उनसे तुलना की गई है। यहां हम कह सकते हैं कि ऐसे जो प्रतिष्ठित बड़े आदमी हैं उनकी प्रतिष्ठा भी साधक का जो आत्मबल है उसके सामने फीका हो जाता है, यानी उनका जो बड़प्पन है, उनकी जो महानता है, वो साधक के आत्मबल से छोटा पड़ रहा है। अपना हृदय खाकर जलने वाले मेरे इस साधना के दीप पर परवाने साथियों की बाहें मुझे मृत्यु रूप में ढूंढ निकालती है। मेरी साधना का जो दीप है वो मेरा हृदय खाकर जलता है। हमने पहले भी एक अवतरण में बात की थी दीप के बारे में, कि दीप तभी जल सकता है जब वह स्वयं को खाएगा, वो अपने को बचाकर रखेगा तो वो दीप जल नहीं सकता है, वो अपने तेल को खाएगा तभी वो दीप जल सकता है। और वो तेल है वही वास्तव में हृदय है, वही भावनाएं हैं, वही हृदय की पीड़ा है, और वह तिल तिल कर जलता है, निरंतर जलता है। उसका संकल्प है कि वो अपना सर्वस्व जलाकर भस्म कर देना चाहता है। तो ऐसे दीप, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही एक दीप जलता है, तो वर्षा के दिनों में हमने कई बार देखा होगा कि उसमें पतंगे आकर उस दीप की समा पर चढ़ने को बेताब हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी साधना के इस दीप पर भी, इस समा पर भी मेरे परवाने साथी इसी प्रकार से आते हैं और उस समा पर चढ़कर मृत्यु के रूप में मुझे ढूंढ निकालते हैं। उस समा का वो अपने हाथों से आलिंगन कर लेते हैं और उस समा पर चढ़ जाते हैं और अपना मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के रूप में मुझे ढूंढ निकालते हैं, उस समा पर चढ़ जाते हैं। चाहे वो समा कहीं भी जल रही हो, उस समा को वो अपनी बाहें फैलाकर ढूंढ लेते हैं। ये साधना ही ऐसी है, इस साधना पर जो भी चलेगा उसे अपना अस्तित्व समाप्त करना ही पड़ेगा, उसे मिटना ही होगा, उसे अपने अहंकार को समाप्त करना ही होगा, और यही वह मृत्यु है। उस समा पर जलकर अपने आप को सर्वस्व खाक कर देगा। तो मेरे जो साथी हैं मेरे उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। और मेरे शत्रु कठिनाइयों का पहाड़ ढालाते हैं तो मैं इंद्र का वज्र बन उनके मद को चूर कर देता हूं। मेरी साधना से मुझमें
ऐसी वज्र शक्ति आ गई है कि मेरे जो शत्रु हैं उन द्वारा कितनी ही भी कठिनाइयों का पहाड़, यानी पहाड़ जितनी मात्रा की कठिनाइयां डहलाए मेरे लिए सामने, तो भी मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वो बाहरी शत्रु हो, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो, क्योंकि मेरा जो संकल्प है वो इंद्र के वज्र की तरह है, जिसके सामने सारी की सारी जो विपरीत शक्तियां हैं वो बेअसर हो जाती है। सब असर वो असफल हो जाते हैं और उनका जो मद है वो चूर चूर हो जाता है। मेरी साधना की शक्ति इस तरह की है, क्योंकि मैं अपनी साधना से जीवन का एक दिन, यानी कि इन सब का कारण क्या है, वो कारण है कि मैं अपनी साधना में जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, द्रव्य का एक भी पैसा और हृदय का एक भी पवित्र भाव छिपा कर नहीं रखता हूं। जीवन का एक भी दिन यानी प्रत्येक दिन क्षण प्रति क्षण उसी ध्येय की ओर ही ध्यान हो, उसी साधना की ओर ही अपना जीवन हो, जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य कोई चाह नहीं हो, यह है वास्तव में जीवन का एक भी दिन। यदि जीवन में अन्य चाह होगी तो फिर वो प्रत्येक दिन नहीं हो सकता। बराबर उस अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख के अतिरिक्त, उस साधना के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे, यही है वास्तव में जीवन का प्रत्येक दिन। दूसरा आता है शक्ति का एक भी अणु। शक्ति का एक भी अणु यानी शक्ति का प्रत्येक अणु। अहर्निश भाव से कर्मरत, किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं, अपनी समस्त शक्ति अपने लक्ष्य अपनी साधना के प्रति लगा दे, और उस साधना के अतिरिक्त फिर उसके पास में इतनी शक्ति ही नहीं बचे कि वो कुछ कोई दूसरा करने का विचार करे, ऐसी शक्ति ही शेष नहीं रहे उसके पास में, यह है उस शक्ति का एक भी अणु, शक्ति का प्रत्येक अणु कहीं दूसरी जगह न लगे। तीसरा आता है द्रव्य का एक भी पैसा। द्रव्य का एक भी पैसा यानी हमारे द्वारा कमाए जाने वाला धन, हमारी उस साधना के निमित्त हो, हमारे उस ध्येय के निमित्त हो, हमारे उस लक्ष्य के निमित्त हो, अपने उद्देश्य के निमित्त हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना है, बल्कि परिवार का जो पालन पोषण है वो भी उसी साधना या उसी उद्देश्य के प्रति बन जाए, उसके निमित्त बन जाए। सभी कार्य जो द्रव्य से संबंधित हो, जैसे विवाह हो, नौकरी हो, कुटुंब पालन हो, जीवन के समस्त व्यापार हैं, वो उस ध्येय के निमित्त बन जाए, यह है वास्तव में द्रव्य का एक भी पैसा छिपा कर नहीं रखना। भाव, हृदय का एक भी पवित्र भाव का मतलब जीवन में किसी भी तरह का फूहड़पन नहीं आए। जब किसी भी तरह का फूहड़पन होगा तो फिर पवित्रता नहीं रह पाती है। तो मेरे हृदय से, मेरे जीवन से मैं हर तरह की फूहड़पन को निकाल देता हूं तो अपने आप ही पवित्रता आ जाती है, और उस पवित्रता किसके लिए है, वो मेरे साध्य के लिए है। फूहड़पन होगा तो जीवन में अस्त व्यस्तता आएगी, इसलिए जीवन में जो भी अस्त व्यस्तता है उसको मिटाना होगा, चाहे वो मेरे शारीरिक रूप से फूहड़पन हो, चाहे मेरी वो वाणी के रूप में किसी प्रकार का फूहड़पन हो, चाहे वो मेरी बुद्धि का किसी प्रकार का फूहड़पन हो। हमने पहले भी अवतरण में पढ़ा है कि जो बुद्धि का जो फूहड़पन है वो यही है कि व्यभिचारिणी जो बुद्धि है यही बुद्धि का फूहड़पन। इसलिए जीवन में जो भी अस्त व्यस्तता है उसे मिटानी ही होगी, तभी पवित्रता आ पाएगी। बुद्धि का फूहड़पन, बुद्धि के फूहड़पन की हमने पहले भी बात की थी पहले के अवतरणों में, कि जो व्यभिचारिणी बुद्धि है
व्यभिचारिणी बुद्धि ही बुद्धि का फुहड़पन कहलाता है, जो एक जगह नहीं टिक सकती है। हृदय के फुहड़पन को भी समाप्त करना होगा। हृदय का फुहड़पन किस प्रकार से हो सकता है? किसी भी उद्देश्य के प्रति डिगायमान न होना। जिस प्रकार से भक्ति में व्यभिचार आ जाता है वो हृदय का फुहड़पन है। आज इस देवता को पूजते हैं, आज इस देवता को पूजते हैं, आज इसको पूजते हैं, आज इस देवी को पूजते हैं, ये कि एक ही तरह से व्यभिचार है भक्ति में। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इस प्रकार से वो पवित्रता आती है। और जब हृदय की पवित्रता आती है वो भी मेरे उद्देश्य के निमित्त होगा, मेरे जीवन में इस प्रकार के एक शक्ति का संकल्प जगेगा। तो साधक तभी मैं बनता हूं एक दृढ़ प्रतिज्ञित वीर व्रती, और यही है मेरी साधना के स्वरूप की चरम सीमा। साधक जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, द्रव्य का एक भी पैसा और हृदय का एक भी पवित्र भाव अपनी साधना से छिपा कर नहीं रखता है। उसका छिपा कर नहीं रखने से अर्थ यही है कि जो अभी हमने बात की थी कि वो सब उसके निमित्त हो जाएं, वो सब प्रकट, उसके सामने प्रकट हो जाए, उसी के लिए है सारा। चाहे वो परिवार का पालन हो, चाहे वो अपना स्वयं का पालन हो, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का जीवन का व्यापार हो, सारे के सारे उसके निमित्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये छिपा कर नहीं रख रहा है। ऐसा करने पर साधक अपने आप में ही एक दृढ़ प्रतिज्ञित वीरव्रती बन जाता है, और यही मेरी साधना का की चरम सीमा है। हमने आज ये 111 अवतरण किए, 110 अवतरण तक जो साधना की है साधक ने, उस साधना की जो चरम सीमा है, वो चरम सीमा यही है, यहीं आकर वो समाप्त होती है। उसके बाद में फिर एक नई साधना शुरू होती है। ये जो सांसारिक संसार से चलता चलता जो साधना की है, इस साधना तक वो पहुंचता है, उसका चरम सीमा आ चुकी है। सब जब साधक ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञित वीरव्रती बन जाता है, तभी वह परम भावी, परम दाता, परम आत्मबली, अटूट ध्येय निष्ठा और वज्र जैसा शक्तिमान और निष्ठावान साथियों को साथ पाता है। यही साधक इस अवतरण में समझाने चाहते हैं कि उसे अब स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि जब इस प्रकार से मेरी जो साधना है उसकी शक्ति का निर्माण हो जाता है, तब तो ऐसा जब भाव आ जाएगा तब अपने आप ही उस साधना की चरम सीमा आ जाएगी, और इसी चरम सीमा को साधक प्राप्त करना चाहता है। ओम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ओम शांति शांति शांति। जय संसक्त।